तो दोस्तों आज सीखने वाले हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में और नॉमिनल मिक्स के बारे में। जैसा कि आपने साइट के अंदर देखा होगा कि हमको M5 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, M10 चाहिए, M15 चाहिए, M20 चाहिए। ये क्या होता है आखिर? M10 का मतलब क्या होता है? वहाँ M क्या है, 10 क्या है? ग्रेड डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है? ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा मैं। कौन सा ग्रेड का कंक्रीट कहाँ पे यूज करना चाहिए ये भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले बात करते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। देखिए, इट इज़ द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पासिस आफ्टर 28 डेज ऑफ कंस्ट्रक्शन विथ प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी कंक्रीट को मिनिमम जो स्ट्रेंथ होता है 28 दिन के बाद प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद, वही उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को कैलकुलेट हम लोग MPa में करते हैं, मेगा पास्कल। दैट मीन्स कि अगर M5 लिखा हुआ है तो M स्टैंड फॉर मिक्स, कि वो कौन सा मिक्स है, एंड 5 या 7.5 या 15 कुछ भी है, वो हमारा 10 मेगा पास्कल या 15 मेगा पास्कल दर्शाता है। अगर मान लीजिए आपको बोला जाता है कि M15 ग्रेड का कंक्रीट का मतलब क्या है, तो M15 ग्रेड का मतलब हुआ कि 28 डेज के बाद कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा 15 मेगा पास्कल होगा। दैट मीन्स कि वो M15 ग्रेड है। ग्रेड भी तीन तरह के होते हैं, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड, और एक होता है मीडियम। देखिए, इसमें हम लोग दर्शाया है कि M5, M75 एंड M10, M15, 20 तक ले लिया यहाँ पे लो स्ट्रेंथ ग्रेड, और उसके बाद जो है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ले लिया है। ये देखिए, M5 का मतलब हमारा क्या हो गया, 5 न्यूटन पर mm² या 5 MPa, इसको बोल सकते हैं उसका स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद। M7.5, इसका देखिए नॉमिनल मिक्स रेशियो, ये आप एक लोग पॉज करके आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 1:5:10 M5, 1:4:8 M7.5। तो जितना हमारा ये ग्रेड रहेगा उतना ही उसका स्ट्रेंथ रहेगा। जैसे M30 तो 30 न्यूटन पर mm² उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो M5, M10 एंड M15 ग्रेड जो हमारा होता है, ये मोस्टली यूज्ड होता है ये सब PCC के अंदर, बेड कंक्रीट बिलो कॉलम फुटिंग के अंदर ये यूज होता है, और इसको ऑर्डिनरी कंक्रीट इसके लिए बोलते हैं। और जो भी हमारा हाई ग्रेड का जो कंक्रीट होता है वो यूज होता है M20 ग्रेड, जैसे यूज होता है RCC वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब, बीम्स, कॉलम फुटिंग, ETC के लिए यूज होता है ये सब का। देखिए, जितना भी हमारा लो ग्रेड का कंक्रीट रहेगा वो हमारा PCC में यूज हो जाता है, जैसे कि M10, M5, इस सब का यूज़ हम लोग PCC के अंदर मेनली करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो M30 हमारा फुटिंग के अंदर यूज हो जाता है, क्योंकि फुटिंग में हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, M30 का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। उसके बाद कॉलम के अंदर उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो M40, उसके बाद वॉल के अंदर M35 SCC, बोले तो सेल्फ कम्पैक्टिंग कंक्रीट। इसके अंदर भी दो तीन तरह का होता है, SCC होता है, एक SDC होता है। ये सारा चीज़ के लिए मैं एक वीडियो और लाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा नॉमिनल मिक्स होता है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस होता है। 10 mm, 20 mm का जो हमारा एग्रीगेट्स वगैरह होता है उसमें चेंजेस होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस होता है कंक्रीट बनाते समय। उसको SDC और SCC करके डिवाइड किया जाता है, और M25 का जो यूज़ होता है स्लैब के अंदर होता है। आशा करता हूँ वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। दोस्तों, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें।